नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पहले शिक्षक बनना बेहद आसान था। जब भी लोग कुछ ना कर पाते थे तो सोचते थे कि चलो हम शिक्षक ही बन जाएंगे, लेकिन अब तो ये भी आसान नहीं रहा। यानी कि BPSC के एक निर्णय के बाद ये तमाम चीज़ें जो है बदल गई है और इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल भी हो गई है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब शिक्षक बनने के लिए भी एक पात्रता है जिसको पास करना जरूरी है। इस पैमाने को आप पार करेंगे इसके बाद ही जाकर आप शिक्षक बन पाएंगे। हालांकि अब बता दें कि इस पूरे मामले में एक नया अपडेट सामने आ गया है, यानी कि सोमवार को इस पूरे प्रक्रिया के दरमियान एक संशोधन किया गया है जिसके बाद अब शिक्षक बनना थोड़ा सा आसान हो गया है। तो चलिए खबर को एक बार विस्तार से देख लेते हैं कि आखिर क्या कुछ संशोधन BPSC के माध्यम से किया गया है कि अब आराम से आप शिक्षक बन सकते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से पहले पात्रता को तय किया गया था, अब उसमें क्या संशोधन किया गया और उस प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया गया है, चलिए एक बार खबर को विस्तार से देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 9 और 10 में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे। कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए BEd की अनिवार्यता नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को संशोधित किया गया है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की आयु में 10 वर्षों की छूट मिलेगी। बिहार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित आयोग और विभाग के अधिकारियों की सोमवार को हुई बैठक में यह तय हुआ कि नियुक्ति परीक्षा में BEd और DLED अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल वैसे छात्र छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो कि TET और CTET या फिर STET पास हो। मंगलवार को एक और बैठक होनी है। बात अगर गणित की करते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय से भी कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हो या इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो तो आप शिक्षक बन सकते हैं। स्नातक स्तर पर जीव विज्ञान साथ ही वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान पढ़ा हो या इंजीनियरिंग से स्नातक की हो जिसमें विज्ञान की विशेषता हो तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 और 10 के शिक्षक पद के लिए भाषा से संबंधित विषयों से संबंधित अगर भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो तो आप शिक्षक बन सकते हैं। 11 और 12 कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थान से उपाधि ली हो और DOE ACC के स्तर या फिर किसी विषय में PG की उपाधि हो तो आप शिक्षक बन सकते हैं। शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता में SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्थांक में 5% की छूट मिलेगी और परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होने वाली है। जून में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। नवंबर में रिजल्ट जारी करने के साथ ही इस साल के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी करने के लक्ष्य रखे गए हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए BEd और DLED अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल वैसे छात्र छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो TET, CTET या फिर STET पास हो। सरकार के इस निर्णय से लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। अब बता दें कि परीक्षा में किन बिंदुओं का ख्याल रखना होगा और किन बिंदुओं पर सहमति मिल पाई है। परीक्षा में 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। हर प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। 4 गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थी के 1 अंक कट जाएंगे। विज्ञापन इसी सप्ताह रिलीज होगा और बता दें कि 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक अनिवार्य होंगे। क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि अब शिक्षक बनना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जिस तरीके से पिछले दिनों की बात करें तो लगातार CTET, BTET और STET अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन पर थे, वो लगातार अपने नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए थे। उन अभ्यर्थियों का ये कहना था कि हम वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, बावजूद इसके हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही। इसको लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किया था, उन पर लाठीचार्ज भी कराया गया था,
यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने इस मसले पर यह तक कह दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही होगी। हालांकि बाद में बीपीएससी की तरफ से इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, जहां पर एक पात्रता को तय कर दिया गया कि अगर आप अब इस पात्रता को पास करते हैं तो ही आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से सोमवार को संशोधन किया गया, जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब आप अगर बीटीईटी यानी कि बीटेट, सीटेट या फिर स्टेट है तो आप आराम से शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरनी होगी, इसके बाद आप शिक्षक बन पाएंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।